हाँ, तो मेरे पीछे में आप ये जो देख रहे हो, ये है मानपत्र। मानपत्र है यानी वो ओ मोयोता का लोर। हाँ तो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK रेडी टू राइड। तो हम लोग जा रहे हैं हिस्टोरिकल पैलेस पे, रजवाड़ा पैलेस जो इंदौर के अंदर है। अब वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी मुझे ना हिस्टोरिकल जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सबसे पहले वो चीज़ को कवर करने वाला हूँ। और कल से मोटो व्लॉग शुरू होगा, और रात में भी एक और जगह पर जाएंगे। तो पहले हिस्टोरिकल पैलेस को कवर करके आते हैं। हाँ तो जी, यहाँ का व्लॉगिंग की शुरुआत मैं थोड़े से अलग जगह से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर आ गया। क्योंकि पहले मेरे को थोड़ा सा डाउट था कैमरा अलाउ है कि नहीं है, अब पता चल गया कि कैमरा अलाउ है। तो जब पता चल गया कैमरा अलाउ है, तो अंदर आके हम लोग कैमरे से सारी शूटिंग कर सकते हैं। तो नीचे में भी जाएंगे एक बार, एक बार ऊपर में भी जाएंगे। ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 5 या 6 मिनट, इससे ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे हम लोग इस व्लॉग को। ये अहिल्या बाई होलकर का महल है, नीचे में मंदिर है, ऊपर में म्यूज़ियम है। अभी तो म्यूज़ियम को ही घूम रहे हैं। ये कुछ आर्टिफैक्ट्स है उस जमाने के। ये कौन सा किला है? ये महेश्वर किला। महेश्वर किला कहाँ पे? ये यहाँ से 80 किलोमीटर। अच्छा, तो ये पूरा फ्रेम बनाया हम लोगों ने यहाँ से वहाँ तक के, है ना? ओ भाई, उस जमाने की बंदूक देखो कितनी लंबी थी। ये देखो कितनी लंबी बंदूक है। हमारे साथ हमारे दोस्त भी आए हो, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आए। अच्छा, तो तू बोल सकते, तेरी आवाज़ आएगी, तू टेंशन मत ले यार। यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी कमी है। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है होलकर का आगमन। इंदौर के लगभग 200 वर्षों के लिए मुगलों का अधीन था। जैसे ही मुगल शक्ति कमजोर हुई, मालवा के मराठों का आकर्षित किया। 1703 में मल्हारकर राव होलकर पेशवा का जनरल का चौथा और सरदेश मुखी को लेने के लिए मालवा में तैनात किया गया। 1739 तक मल्हार राव होलकर इंदौर के शासक बने रहे। तो ये है इंदौर की हिस्ट्री। तैर क्यों रही? लेकिन बात चलता, कोई जरूरत नहीं है। तो ये उनके बर्तन वगैरह है, उस साइड में उनके टिफिन बॉक्स थे। उस जमाने के बर्तन पीतल के, जर्मन के। पीतल को और जर्मन में फर्क क्या था पहचानते? तो ये उस जमाने के कुछ रखे हुए तलवारें। तो ये हर, ये पता नहीं जर्मन का पैदल तो पता नहीं क्या है। ये मेरे ख्याल से तोप के अंदर रख के मारने वाली चीज़ है। सही बोला। अहिल्या बाई होलकर की पालकी थी, शादी की। कितनी बड़ी है यार, कितने लोग उठाते थे इसको? पता नहीं 3 या 4 लोग उठाते होंगे मेरे ख्याल से एक साथ उठा के। कितनी बड़ी पालकी होगी। तो मल्हार राव ने उसको देखा, तो उसने सोच लिया था मैं इसको अपने लोगों नाम। अच्छा, तूने कहाँ पढ़ी? कहाँ पढ़ी, और सुधीर क्या? सही है यार। तो मेरे पीछे में आप ये जो देख रहे हो, ये है मानपत्र। मानपत्र है यानी वो, जब कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसको कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, तो उस टाइप का सर्टिफिकेट है। ये पूरा मानपत्र अहिल्या बाई को दिया जाता है। तो ये मानपत्र, तो ये है मानपत्र, फिर ये भी एक और है मानपत्र वगैरह। यानी एक बार जैसे कि आजकल के कोई नेता है, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उनको मानपत्र दिया जाता है। तो सेम वैसे ही ये सब है मानपत्र वगैरह।
ये वो है जो तुगचिराव होलकर ने इंडियन रेलवे का वो करे थे, वो आज नील ये इंदौर के अंदर जब वाटर सप्लाई शुरू कर रहे थे 1929 से 1932 तक के का, ये पूरा वहाँ का बताया हम लोगों ने। तो ये जो पीछे में दिख रहा है वाटर सप्लाई है, जो वाटर सप्लाई गया था 1929 से 1932 तक के होलकर द्वितीय ने जो बनाया था वो है ये। तो ये वाटर सप्लाई का पूरा बन, पिक्चर्स की क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, अच्छा लग रहा है देख के। ये देखिए उस समय का पाइपलाइन, ये देख रहे उस जमाने में भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन थे, वो भी अच्छी बड़ी है पाइपलाइन। और यहाँ पे अगर बताया जाए सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो यहाँ से जो जो चीज़ें सप्लाई की गई थी उसकी सारी पिक्चर्स है, तो आप होल्ड करके देखते रहना। तो जी मेरा 10 तक इस व्लॉग का यहीं पर एंड करने का समय आ गया, हम लोग गेट के बाहर है और इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन दबा के रखिएगा। अच्छा था, हिस्टोरिकल जगह थी पूरी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के भी बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली, उसके लिए आपको यहाँ पर आके सर्च करना पड़ेगा। आइए, अच्छी जगह। यहाँ पे ना अभी वो पीछे साइड में पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था लेकिन बंद है अभी। ये कम से कम एक साल और रेनोवेट होगा, फिर उसके बाद पता चलेगा इनके बारे में। तो अब इसके लिए अगले साल आना पड़ेगा जब ये पूरे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो एक साल तक के लिए बंद है, लेकिन आऊँगा ज़रूर, लेकिन अगले साल ज़रूर आऊँगा, अगले साल जब भी बन जाए तब आऊँगा। कहाँ एंट्री कर रहे हैं? नेहरू केंद्र लालबाग। लेकिन यहाँ पे एंट्री करने से पहले मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, मैं बोला वहाँ पे जो जिस लोकेशन पे इसके पहले हम लोग गए थे वो था बंद, बंद होने की वजह से। लेकिन हम लोग बोले चलो अब ये एक नेहरू केंद्र लालबाग बचा हुआ है, तो मेरी दोस्त बोली यहाँ पे चलते, तो मतलब चलो यहाँ पे चलते हैं, अब देखते हैं अंदर जाके क्या है, कुछ है भी कि नहीं है। अच्छा गार्डन रहे थे, बहुत बड़ा है, यहाँ मेला लगा था, तो हम लोग यहाँ से आके वापस गए थे पहले। हाँ नील, कौन सी जगह थी? नेहरू पहले, तो ये भी बंद मिला। वैसे ये मंडे के दिन बंद रहता है, ट्यूसडे के दिन बंद रहता है, कोई साफ़ सफाई का काम जैसा बता रही है नहीं कि साफ़ सफाई का काम चालू है, इस रीज़न से बंद है, तो बंद है। तो ये भी जगह बंद मिली, अपन आए क्यों बे ये टाइम पे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, कोई और दूसरे टाइम पर आना चाहिए था। ओ मोयो ताका लोर।